ओम साई राम। साई की चिट्ठी आपके नाम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं साई हूँ। मैं कणकण में वास करता हूँ। मैं इतना सामर्थ्य रखता हूँ कि अगर तुम पर कोई मुसीबत आए, तुम पर यदि कोई परेशानियाँ आए या मृत्यु भी आए, मैं उनको मात देने का सामर्थ्य रखता हूँ। इतनी शक्ति है मेरे पास। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। जब तुम बहुत कष्टों में आना और मुझे याद करना, जब साई साई का स्मरण करोगे ना, तो मुझे अपने ही पास पाओगे। जब कोई भक्त मुझे प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, मग्न होके, श्रद्धा भाव से जब मुझे याद करता है, मैं उसके कष्टों को दूर करता हूँ। और तुम घबराते हो, तुम्हें शंका होती है कि साई करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूँगा? जब तुम मेरी शरण में आ गए हो, तो मेरा कर्तव्य और मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करूँ। क्योंकि तुम मेरा मनन करते हो, तुम मेरा चिंतन करते हो, तुम जिस प्रेम पूर्वक मुझे देखते हो, उसी तरह मैं भी तुम्हें प्रेम पूर्वक देखता हूँ। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। जब तुम साई सच्चरित्र पढ़ते हो और अनुभव करते हो, उस टाइम का, उस समय का, जब मैं था तब भी मैं सब पर दया करता था, और आज मैं समाधि में हूँ, फिर भी मैं तुम लोगों की रक्षा करता हूँ। तुमने कभी मुझे ऐसा सोचा कि मैं जो मैंने वचन दिए हैं, जब जब भक्त मुझे याद करेंगे, मुझे अपने पास पाएंगे, मेरी समाधि चलेगी, फिरेगी, बातें भी करेगी, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं कल भी रहूँगा, तो घबराते क्यों हो? मुझ पर अपनी चिंताएं छोड़ दो, परेशान मत हो। जब जब तुम मेरा स्मरण करोगे, बस मुझे याद करना, साई साई का नाम उच्चारण करना, और देखना साई तुम्हारे साथ खड़ा है, वो साई जिसको तुम प्रेम करते हो। और जो शिरडी में आता है ना, वो मेरे इशारे से आता है। जब मैं अपनी नज़रें करम करता हूँ अपने भक्त पर, और जो भक्त एक कदम बढ़ाकर जो मेरे पास आता है, मैं 10 कदम बढ़ाकर उसके पास जाता हूँ। जो निस्वार्थ भाव से मेरा मनन करता है, मैं उसके साथ सदैव रहता हूँ। अनुभव करो, सत्य पहचानो। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उन्हें लाख गुना प्रेम करता हूँ। तुम हाथ छुड़ा सकते हो, पर मैं नहीं। मैं साई हूँ, मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं कणकण में वास करता हूँ। एक बार मुझे महसूस करके देखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जो लोग ईर्ष्या करते हैं, मैं उनका साथ कतई कभी नहीं देता। जो मुझे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते, मैं सदैव उनके साथ हूँ, वो चाहे मुझे माने या ना माने। अगर वो किसी को सहायता पहुँचाते तो मुझे बहुत प्रिय हैं। जो जीव जंतु में मुझे देखते हो, मुझे बहुत प्रिय हैं। इसलिए सब में मुझे देखो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम्हारे पर संकट आएगा, हारना मत, डरना मत, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं मृत्यु को भी मात देने में सामर्थ्य रखता हूँ, याद रखना मेरे बच्चों। ओम साई राम।